आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी पूरी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा सूजी और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। बस इसे फूलने के लिए थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। इसके बाद मैं लूँगी एक परात और उसमें मैं इस फूली हुई सूजी को डाल दूँगी। उसके बाद मैंने लिया है एक बॉयल आलू, जिसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सूजी 100 ग्राम इस्तेमाल करा है और उसमें मैंने 30 से 40 ml पानी ऐड करा है। और इसके बाद इसे एक परात में निकाल दूंगी और बॉयल आलू को ग्रेट कर दूंगी। इसके बाद इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा हींग और 100 ग्राम आटा। जितना सूजी यहाँ पे मैंने लिया है उतना ही मैंने यहाँ पे आटा लिया है। और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पहले चेक करना है इसमें कितनी पानी की ज़रूरत है, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करना है, नहीं तो इसका आटा ऐसे ही लगा देना है। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा है और इसकी मैंने एक अच्छी सी डो लगा ली है। इसके बाद जितनी बड़ी पूड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी लोई लेनी है और उसमें थोड़ा सा आटा लगाना है और उसके बाद इसे थोड़ा सा मोटा ही बेल देना है। ये पूड़ी खाने में बहुत टेस्टी है, इसलिए आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। मैंने आज इसे आलू चने की सब्जी और अचार के साथ सर्व करा है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।